Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. राइट गाइस, तो पैकिंग स्टार्ट कर दिया मैंने अपने न्यू राइड की. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी जस्ट वहाँ जा रहा हूँ उत्तराखंड राइड में. यहाँ पे मेरा सिर्फ एक जैकेट है, मेरी राइडिंग जैकेट्स के लाइनर्स हैं, ये रेन पैंट है, ये नॉर्मल ट्रैक जो ट्रैकिंग के लिए लिया है मैंने, दो टी शर्ट, नी कैप, टॉवल, छोटा टॉवल, कैप, मल्टीपर्पज एक्शन कैम भी लग जाता है, एक वार्म ग्लव्स, दो आर्म स्लीव्स, एक बालाक्लावा, एक और बालाक्लावा, और ये मैं पहन के जाने वाला हूँ. टी शर्ट, जींस, शर्ट्स बैग में जाएंगे, राइडिंग ग्लव्स, साथ में राइडिंग जैकेट और राइडिंग बूट्स. तो ये है मेरा कपड़ा पहनने का और ले जाने का. अभी आते हैं बैग्स पे, टूल किट पे, कैमरा गैजेट्स पे. ओके, जल्दी से बाकी बचे सामान आ जाता हूँ. ये दो बैग लेके जा रहा हूँ, एक मेरा नॉर्मल बैग ट्रैक में यूज होगा, ये मेरा टैंक बैग, ये मेरे कैमरा गैजेट्स सारे इसमें हैं, दो सेल्फी स्टिक्स और दूसरी ट्राइपॉड बार है, ये बाइक के कुछ वायर्स हैं, ये मेडिकल किट है, बंजीज, टूल, दिस इज ऑल टूल, स्पेयर रोप, ये मेरा फुट पंप, ये एंजॉयमेंट का पार्ट, कार्ड्स, दैट्स इट. तो ये सब है मेरा राइड का सामान. अभी सीधा मिलते हैं आपको बाइक पे. बाइक हो गई है फुल लोड, अभी मैंने अभी प्रॉपर लोड नहीं करी क्योंकि एक बैग और आना है इसमें. आते बाद आते बाकी फ्रेंड्स बनेंगे अभी यूपी गेट पे, उनका भी सामान है तो वो लोड करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो टेम्पररी करा अभी. जय बजरंगबली. अभी तो वैसे वहाँ पहुँच के मुझे अभी सोन लीव करनी है और जो मैंने वॉशिंग वॉशिंग करा ली थी, तो अभी जल्दी से पहुँचते हैं यूपी गेट. ये फ्रेंड्स मेरे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, मिलता हूँ आपको यूपी गेट में. अभी ट्रैफिक वाफिक भी बहुत होगा इस टाइम. तो पहुँच गया मैं यूपी गेट, यहीं कहीं हूँ खड़े हुए मेरे फ्रेंड्स, यहीं कहीं होना चाहिए उनको. और लाइट वगैरह नमस्ते जी, नमस्ते जी, चाल चल बा. कौन गाली दे रहा है इसको नहीं पता, पिछली बार कितनी लेट आ गया तुम. गाली कौन देगा, गाली कौन देगा, गाली ये पता नहीं भैया, आप ही दे रहे होंगे. चलो भाई, मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गया हूँ. अभी करते हैं सामान लोड और होते हैं रवाना. सारे बैग इसी पे लोड होंगे, तो लोडिंग की करते हैं तैयारी और फिर निकलते हैं. चलो संजीत, चलो लेट्स रोल. तू भी ले लेता, थोड़ा स्टार्टिंग है ना, लगेज का ध्यान रखना, अगर हो रहा तो बता देना है. So we are ready to roll. So time almost 9 o'clock. All set. Jai Bajrangbali. So 8:57 is the time. Okay, 9 o'clock we are leaving towards Uttarakhand. We are riding towards Somnath. So back to back trips हो रहे हैं मेरे अभी. I'm thankful to my family जो back to back trip हो पा रहे हैं. Seriously back to back trip करना बहुत difficult है. फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. जो लोग बैक टू बैक ट्रिप करते हैं सैल्यूट है उनको, बहुत ही बढ़िया है. सभी मैंने मैप लगा लिया थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये थोड़ा राजनगर के वहाँ पे कट आता है थोड़ा पहले, वो एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद फिर मैप ऑफ. एंड अनदर थिंग इज दैट कि मैंने सिक्किम से आने के बाद सर्विस नहीं कराई है, तो होपफुली मुझे बड़ा विश्वास है अपनी बाइक पे, बहुत स्मूथ चली वापस आते हुए भी सिक्किम से, बहुत स्मूथ चली. तो होपफुली ये करा लेगी पूरा ट्रिप मुझे. 1000 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली का हमारा ये राइड है. बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ये तिरंगे ट्राई कलर के पोल्स. मतलब क्या था भैया, पूरा विश्वास है शायद मुझे, शायद तो नहीं, आई थिंक ये मुझे करवा ही देगी. पूरा राइड स्टार्ट हो गई है, होपफुली ये राइड और बेटर हो लास्ट सिक्किम राइड से. थोड़ा टफ होने वाला है बिकॉज राइड डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है. डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं है बट टाइम बहुत कम है हमारे पास. बाय मंडे हमें वापस आने का हमारा टारगेट है, मंडे अर्ली मॉर्निंग. बाकी देखते हैं जब पहुंचेंगे, जब फर्स्ट स्टेशन पे पहुंच जाएंगे तब पता लगेगा कितना टाइम लगने वाला है. चलिए गाइस, चलते हैं आपको आगे. चलते हैं, बाय. ऑन द हाईवे और बहुत बुरा कंजेशन है यहाँ पे. 9:30 अप्रॉक्सीमेटली टाइम होगा एंड इट्स वेरी 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 कंजेस्टेड. जस्ट लुक एट दैट. इस हाईवे का यही बुरा हाल है, इसलिए मैंने लोग पूछ रहा था कई लोगों से कि ये वाला हाईवे पकड़ू की गुजरा वाला हाईवे पकड़ू, किसी के लिए भी जगह नहीं है जाने की. हम बाइक्स में तो फिर भी लेफ्ट से निकल जा रहे हैं. जो कार्स में है, फोर व्हीलर में, उनका क्या हाल हो रहा होगा सोचो. बहुत बुरा हाल है, पसीने से लगते थे. ओह माय गॉड, और कहीं पे कम होता भी नजर नहीं आ रहा है. बहुत लंबा है वो, तो मुझे लग रहा है मोदी नगर तक वैसे ही मिलने वाला है. बहुत हैवी लोड है इस पर, ये काम भी पुरानी कब से चल रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा है. बस ये क्रॉस हो जाए उसके बाद फिर आराम है. लेकिन इसको क्रॉस करने में ये देखो, अब बस भी उतर गई, अब तो कच्चे में, अब कहाँ जाएगी. धूल देखो, धूल, आदमी मर जाए. बहुत बुरा हाल है बस. ऑफरोडिंग यहीं से शुरू होगी भैया. ये सब मिलता है आपको राइडिंग लेवल के साथ, ये वाला फन भी मिलता है. और रोड को मैं कब से देख रहा हूँ, आई थिंक देखो तो 7-8 साल हो गए इसको ऐसे ही देखते हुए, इतनी बुरी हालत में. अभी भी गूगल माता बोल रही कंजेशन हेड. तो ये गंग नहर है, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं.
और हमें देखना है कि हमें केनाल रोड से जाना है नहीं जाना है या मेरठ के थ्रू ही होके चले। मतलब ये लेफ्ट बोल रहे हैं यहाँ से, बट रात का टाइम में तो हम लेफ्ट जाएंगे नहीं, पर बाइक्स में तो हैं स्पेशली इसलिए नहीं जाएंगे, तो हम सीधा ही चलेंगे और मेरठ के आसपास से निकलेंगे, मतलब विलिंग सिटी होके जाएंगे। तो गंगा वाला जो रोड है वो है तो ठीक खाली रहता है, लेकिन उस पर थोड़ा रिस्क है इस टाइम पे रात के टाइम पे। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड, थोड़ा क्राउडेड प्लेस से होकर निकलेंगे हम लोग, तो अगर गंगा केनाल रोड कैंसिल जो मेन हाईवे उससे होते हुए जाएंगे। फिर ब्लफ हो गया, ब्लफ ऐसा है कि हमें जाना था यहाँ से खतौली वाले रास्ते पे, पर हमारा एक राइडर है वो उसको हमेशा जल्दी रहती है और उल्टे से भी काम करता है हमेशा, तो फिर सीधा निकल गया। मैं वेट कर रहा हूँ या कॉल करके देखना पड़ेगा, नहीं तो चलता ही रहेगा। वहाँ कहाँ जा रहा है आगे? राइट का इंडिकेटर तो मैंने दिया, तो उसका तू सीधे जाता चले जा। तू मेरे से जो तूने मुझे बाईपास किया, राइट का इंडिकेटर दे चुका था तेरे को, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने इसलिए इंडिकेटर दिया कि तू भाग रहा था खतौली वाली पे। हाँ ऐसी हरकतें करता है, गुस्सा इसलिए आता है, इंडिकेटर दे दिया है पहले खतौली राइट जाना, फिर भी सीधा मेरे को बाईपास करके भाग गया। चलो गाइस आते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ ओ पागल है क्या है, नींद में जब इंडिकेटर दे दिया, राइट का इंडिकेटर दे दिया, यानी कि आखिरकार मिल गए। अरे नींद में चलाते हैं तो पता नहीं कैसे चलाते हैं, साले कुछ भी नहीं पता लगता साथ वाला कहाँ है क्या है क्या नहीं कर रहा। हो सकता है ब्रेक ले रहे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा जो दूसरा पिलन आया हुआ है उसने हमारे साथ 2-3 राइड ही करी है, उसके चेहरे पे थकान लग रही है मुझे, और शायद उन्होंने कुछ खा के भी नहीं निकले घर से। सो फाइनली अभी खतौली पार कर लिया हमें, हम लोग हैं अभी मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे बोल रहा है, नजीमाबाद से 60 किलोमीटर पीछे है अभी। टाइम हो गया है 11:15, सो इट इज लाइक 2 hours and 15 minutes वी आर कंटिन्यूसली राइडिंग विदाउट एनी ब्रेक, बस बीच में एक ब्रेक गया था जब रास्ता ही उधर हो गया था, अदरवाइज हम कंटिन्यूसली राइड ही कर रहे हैं। और अभी थोड़ा भूख भी लग रही है मुझे, नहीं बड़ा मैं थोड़ा बहुत खा के आया था घर से, तो मेरे फ्रेंड्स उनको भूख लग रही है क्योंकि वो ऑफिस भी गए थे इधर ढाबे। अभी हमें एक अच्छा सा कोई ढाबा या रेस्टोरेंट देख के डिनर करेंगे, ब्रेक भी लेंगे, बाइक को भी अच्छा सा रेस्ट देंगे क्योंकि 2 घंटे से ऊपर चल गई है। और फाइनली हम रुक गए हैं लक्की शुद्ध भोजनालय पे, 11:15 लाइटें वाइटें ऑन रहती है, बटन तो ऑन है, डायरेक्ट करी होगी बैटरी से, डायरेक्ट करी है डायरेक्ट बैटरी से। ओके गाइस यहाँ लेते हैं ब्रेक, खाना खाते हैं, भारी बैठना है। So we had dinner here at Lucky Dhaba and now we are leaving. We are 20 kilometers from here. So food was okay, average, not bad. We had approximately food of 200 rupees. Jai Bajrangbali. So we had a good break of like 1 hour. And if we talk about the weather is quite decent. Zyada garmi nahi lag rahi hai riding the years mein. First break after approximately 2 hours and 15 minutes. So straight here road. Dekhta hai kitna time lagta hai, kya kya naya dekhne ko milta hai. So time ho gaya hai 1:15 aur abhi hum railway crossing pe pahunch gaye. देखते हैं कितनी देर में खुलता है, थोड़ा रेस्ट करते हैं। सो द ट्रेन बाईपास, यहाँ पे हाथी का झुंड देखने को मिला, ये देखिए लेफ्ट साइड में ये हाथी है और ये अभी तो अटैक भी कर सकते हैं इसको सेफली, हम गाड़ियों के साथ साथ कन्वॉय के साथ साथ निकल जाएंगे, कन्वॉय नहीं है बेसिकली सारी गाड़ियाँ एक साथ निकल रही हैं, सबके साथ साथ निकल जाएंगे गाड़ियों के तो सेफ रहेंगे, बड़े ट्रक के साथ साथ जा रहे हैं सारे, तो ये थोड़ा एलिफेंट का डर रहता है इस रोड पे। अभी पीछे भी हमने एक जानवर देखा था और पत्थर भी ऐसे बने हैं हाथी जैसे लग रहे हैं, तो हमने टोटल 4 हाथी थे, एक अलग था 3 एक साथ थे, तो 4 हाथी का झुंड था, उससे सब धीरे हो गए अभी और सब एक साथ चल रहे हैं, हम आगे वाली गाड़ियों के साथ साथ ही चलेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और गाइस बीच में फंस गए, आगे हाथी पीछे हाथी, तो चेक कर रहे हैं जैसा सब करेंगे वैसे ही करेंगे, हम भी लोकल्स भी घबरा रहे जाने में। ये हाथी ओह माय गॉड, एट लास्ट निकल गए हम लोग, हरियाला बिल्कुल रोड पे चल रहा था, सही एडवेंचर हो रहा है दोस्तों।
दो तीन बार एनकाउंटर हो गया हाथी से अभी अभी। बहुत घने सकते लिए अपन लोग यहाँ पे लेंगे चाय ब्रेक और उसके बाद आधे घंटे बाद बढ़ेंगे आगे। थोड़ा रेस्ट चाहिए बाइक को भी। ये लगेज राइट साइड को जा रहा है ना सारा, रहने ऐसे नहीं होगा, खोल के करना पड़ेगा। चलो चाय पीते हैं। हाँ थोड़ा एडजस्ट करते हैं, चाय पीते हैं। कितने दूर रह गया, कितने किलोमीटर रह गया? 185 और 347 हो रहे हैं। I'm here for the money, I'm here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.